रोहित गुरुजन और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रकाश राय इंजीनियर पब्लिक स्कूल वाराणसी का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष हमारे देश में न्याय व्यवस्था सबके लिए समान नहीं है इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मान्यवर, वाद विवाद के इस विषय को चुनना स्वतः न्याय व्यवस्था में असमानता को संकेत है। न्याय एक ऐसा शब्द है जो किसी समाज में संतुलन या उसका परिरक्षण करता है। महोदय, आजादी के इतने वर्षों के बाद सभी के लिए सुलभ, आसान व समान न्याय व्यवस्था की उम्मीद करना बिल्कुल ही गलत है। दुख को तब होता है मानव जब हम समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से न्याय के पक्षपातपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्यों हमारे देश में अमीर गरीब का भेदभाव मिटेगा और न्याय सबके लिए समान होगा। क्योंकि न्याय शांति का पुनर्न्यास है जब तक न्याय न आता, न्याय शांति का पुनर्न्यास है जब तक न्याय न आता, कैसा भी हो मानव शांति का सुदृढ़ नहीं रहता। मान्यवर, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है कि भारत की न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी, विभाग दुरुस्त व खर्चीली है कि आज आम आदमी न्याय पाने से वंचित होता जाता है। और वहीं धन बल बाहुबल का प्रयोग करके शातिर से शातिर अपराधी अदालतों से सांप बन गए या जमानत को छूटकर न्याय प्रक्रिया को लंबा कराकर सुख सुविधाओं एवं सत्ता का भी उपयोग करें। मान्यवर, हमारे ही देश के जाने माने नेता को एक या दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार सफल हुए, क्या आम आदमी की ऐसी व्यवस्था हो सकती है? महोदय, न्याय की इससे बड़ी कमजोरी और क्या होगी? आज आम आदमी आज अभी व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहे हैं और तर्क कितना कमजोर है। भारत जैसे न्याय की देश में पक्षपात रहित न्याय होना ही चाहिए।